हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली जो वीडियो थी वहां पर हमने अपना चैप्टर एंड किया था कोलिजन्स वाला, और इससे पहले हम वर्क पावर और एनर्जी वाला चैप्टर कर चुके हैं, और उससे पहले हम कर चुके हैं जो फर्स्ट यूनिट होती है मैकेनिक्स की, बीएससी फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल्स ऑफ डायनेमिक्स, तो उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। वहां पर हमने किया था इनर्शियल फ्रेम, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन इनवेरियंस, रॉकेट मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर है। अगर आपको देखनी है तो आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक, सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहां से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। तो यहां पर हमें बीएससी के सिलेबस में इसमें सिर्फ हमें थोड़ा डेफिनेशंस देखना होता है और थोड़े से फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी होती है, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में ऐसा मेंशन होता है कि ये इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? ठीक है, तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो, अगर हम एक फोर्स लगाएं उस बॉडी पर, ठीक है, उस बॉडी पर फोर्स लगाएं, उसके बाद अगर जब फोर्स हट गया तो उसके बाद वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में जल्दी से आ पाए। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। और जो फोर्स हम लगा रहे हैं, मतलब जो फोर्स उसकी शेप चेंज कर रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अब इलास्टिसिटी की बात तो हमने कर ली, अब इसका अपोजिट होता है प्लास्टिसिटी। जी हाँ, ये भी एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अगर हम उसको फोर्स लगा दें, ठीक है, तो फोर्स लगाने के बाद भी, अगर फोर्स हट गया है उसके बाद भी वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाती है, मतलब वो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, और अगर हम थोड़ा रियल लाइफ में बात करें तो यहां पर हम देखेंगे, अभी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, तो यहां पर जो इलास्टिसिटी है और प्लास्टिसिटी है, ठीक है, तो कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती और कोई भी बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक भी नहीं होती। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है हमारे पास, बहुत ही अच्छा हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर हमसे पूछा जाए कि अगर हमारे पास एक रबर बैंड है, ठीक है, रबर बैंड है, और एक हमारे पास स्टील है, स्टील की कोई रॉड है ऐसा कह सकते हैं, तो अगर उन दोनों की इलास्टिसिटी हम कंपेयर करना चाहते हैं तो किस चीज की, किस बॉडी की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जी रबर की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो स्ट्रेच बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इस चीज को, इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। यहां पर मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई थी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वहां पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि रबर ज्यादा इलास्टिक होता है। तो इस कंसेप्ट को आप क्लियर कीजिए कि एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद आपको इस चीज की पूरी क्लैरिटी हो। ठीक है, तो देखिए, अगर एक रबर बैंड हम लेते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो देखिए, सपोज हमारे पास ये एक रबर बैंड है, ठीक है, ये एक रबर बैंड है, और हमारे पास एक ये की चेन है, ठीक है, एक ही हमारे पास की चेन है। तो अब देखिए, इनकी इलास्टिसिटी कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखिए, थोड़ा सा अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जैसे हमने स्ट्रेच किया, ठीक है, इसके बाद हम जब छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे तो ये ऐसे आकर, कुछ ऐसे आकर रुक जाएगा, मतलब अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। वही अगर हमारे पास ये जो कीचेन है, ठीक है, ये इसका ये जो है, ये सर्कुलर पार्ट जो है, अगर इस पर हम फोर्स लगाते हैं, देखिए फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी शेप चेंज नहीं हो रही है, और चेंज हो भी रही है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, उसके बाद ये वापिस आ रहा है, मतलब बहुत जल्दी इसकी शेप चेंज जो हो रही है वो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में बहुत जल्दी आ रहा है। ठीक है, तो
तो अगर इन दोनों बॉडीज को हम कंपेयर करें, इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर इलास्टिसिटी, इस ये जो किचन है, ये जो इसका रबर, ये सर्कुलर पार्ट है, इस पार्ट की इलास्टिसिटी ज्यादा है। और अगर इस रबर से कंपेयर करें हम तो इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो आप इलास्टिसिटी को ऐसे समझिए कि बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो मतलब ओरिजिनल शेप में स्ट्रेच होने के बाद ओरिजिनल शेप में जल्दी आ जाए। ठीक है, तो कोई भी दो बॉडी लीजिए, दोनों पर इक्वल फोर्स लगाइए, जो बॉडी ओरिजिनल शेप में जल्दी आती है, मतलब एक बार फोर्स लगाया वो बॉडी स्ट्रेच होगी। ठीक है, मतलब उसकी जो ओरिजिनल शेप थी उससे थोड़ा सा वो अलग हो जाएगी, थोड़ी शेप चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी, डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या लिया है, थोड़ी सी शेप चेंज हो जाएगी। तो यहां से जब शेप चेंज हुई उसके बाद जब आपने फोर्स हटाया, तो फोर्स हटाने के बाद दोनों बॉडीज में से जो ओरिजिनल शेप में जल्दी आएगी, जो उसकी ओरिजिनल शेप थी पहले, उस शेप में पहले आएगी, ठीक है, वो फोर्स, वो बॉडी जो होगी वो ज्यादा इलास्टिक होगी। ठीक है, इस चीज को क्लियर कीजिए। इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं है कि जो बॉडी ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है, ऐसे तो अगर हम देखें तो ये रबर बैंड कितना ज्यादा स्ट्रेच हो रही है, कितना ज्यादा स्ट्रेच हो रही है, और ये तो स्ट्रेच ही नहीं हो रही है ना, ये तो स्ट्रेच ही नहीं हो रहा इसका ये सर्कुलर पार्ट। तो इस हिसाब से तो इलास्टिसिटी रबर की ज्यादा होनी चाहिए, ये रबर बैंड जो है हमारे पास उसकी ज्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ये जो इसका सर्कुलर पार्ट है, स्टील का जो ये सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, स्टील का ही है, हाँ, तो यहां से हम कंपेयर करें तो यहां पर स्टील की ज्यादा इलास्टिसिटी है एज कंपेयर टू दिस रबर बैंड। ठीक है, और यहां पर एक टर्म और आती है जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है, देखिए इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि अगर ये रबर बैंड है मेरे पास, ठीक है, इसको मैंने स्ट्रेच किया और अगर मैंने इसको यहां पर छोड़ दिया तो यहां ये ओरिजिनल शेप में आ जाएगा वापस जैसा था। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर मैंने इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो रबर बैंड है ये यहां से टूट जाएगा। ठीक है, आपने आप भी इसको करके देख सकते हैं घर में, आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये रबर बैंड बीच में से टूट जाएगा, और इसके बाद क्योंकि अब ये टूट गया तो अब ये अपनी ओरिजिनल शेप में तो आ नहीं सकता, अब ये ऐसे सर्कुलर तो बन नहीं सकता है, वो भी बिना किसी अगर आप नॉट लगाएंगे, एक ऐसे गांठ बांधेंगे तो ऐसा हो सकता है, बट फिर भी वो ओरिजिनल शेप में तो नहीं आ सकता है क्योंकि यहां पर तो एक भी नॉट नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो यहां पर एक, अगर हम यहां पर देखिए, एक ये टूथपिक लेते हैं। ठीक है, ये टूथपिक आपने देखी होगी, आपके घर में होगी, तो अगर आप एक टूथपिक लेते हैं, ठीक है, और सपोज इस पर फोर्स लगा रहे हैं हम, ठीक है, हमने इस पर फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इस पर इतना फोर्स लगा देंगे कि जो इस ये जो टूथपिक है इसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो ये टूट जाएगा, और ये टूट जाएगा तो उसके बाद हम इसको ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते। आइए करके देखते हैं, इस टूथपिक का बलिदान देते हैं हम। ठीक है, तो देखिए इस पर हमने फोर्स लगाया और ये देखिए जितना मतलब जो फोर्स की अगर हम वैल्यू बोले, फोर्स की वो वैल्यू जहां पर ये बॉडी ऐसे टूट चुकी है, ठीक है, तो उस टाइम पर फोर्स की जो वो वैल्यू है जिसकी वजह से ये जो टूथपिक थी उसकी ये शेप चेंज हो गई है, ठीक है, तो फोर्स की उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट। मतलब इस टूथपिक की इलास्टिक लिमिट ये थी और आपने इसको क्रॉस कर दिया, तो अब ये मतलब इसको अब हम कह सकते हैं कि ये प्लास्टिक है, ये एक प्लास्टिक बॉडी है, क्योंकि अब हम इसको इसकी ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते, अब तो ये टूट गया, थोड़ा सा और लगाएंगे तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एक साथ तो जोड़ के ऐसे नहीं कर सकते हैं, फेविकॉल लगाए वो एक अलग बात है, बाकी हम इसको एक साथ तो नहीं कर सकते है ना, तो इसलिए यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी बॉडी की इलास्टिक लिमिट क्या होती है। ठीक है, और दो बॉडीज इलास्टिक कब होती हैं, प्लास्टिक कब होती हैं, और स्टील और रबड़ में से कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, ऐसा सब कुछ। ठीक है, तो आप घर पर भी ये एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं,
आप कुछ भी चीज ले सकते हैं, आपने जैसे ये रबर बैंड लिया, इसके साथ आप ये पेंसिल ले सकते हैं, इन दोनों की इलास्टिसिटी कंपेयर कर सकते हैं, या फिर पेन ले सकते हैं, या फिर और भी कुछ, या फिर कोई वुडन मटेरियल ले सकते हैं, या कुछ भी जिस चीज की आप इलास्टिसिटी देखना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी आप कंपेयर करना चाहते हैं, वो दो बॉडीज लीजिए और उन पर सेम फोर्स लगाइए और फिर देखिए कि कौन सी बॉडी जब हम फोर्स को हटा रहे हैं उसके बाद ओरिजिनल शेप में जल्दी आ रही है, ठीक है, तो वो बॉडी क्या हुई, ज्यादा इलास्टिक हुई। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो इतना ही था, यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख रहे थे और हमारी जो पिछली वीडियो थी इसी क्वेश्चन पर कि रबर बैंड ज्यादा इलास्टिक होगा या स्टील ज्यादा इलास्टिक होगा, तो यहाँ पर कुछ लोगों का डाउट था थोड़ा, तो आई होप कि वो डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो यहां से हम मिलते हैं अगली वीडियो में।